मेरा नाम विक्रम कुमार साहू है, मैं अंगारा का रहने वाला हूँ। आज हमारे घर के सामने गौठान बनाने के लिए गांव वालों ने प्रस्ताव पारित किया है और पंचायत इसमें हम लोगों को बार बार नोटिस दे के परेशान किए जा रहे हैं और हम लोग रास्ता मांग करने पर रास्ता नहीं दिए जा रहे हैं। आज इस समय हम लोग विरोध किए तो विरोध करने के बाद पंचायत का तो तहसीलदार साहब यहाँ आकर हम लोगों को दबावपूर्ण इतना दबाव डाला कि हमारे एक भाई आज जिला अस्पताल में एडमिट के लिए, उनका तबीयत खराब हो गया और उनको ले जाना पड़ रहा है। इस बीच में हमारे पैरा वेरा को अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी समय जेसीबी से हटाने के लिए गांव वाले लोग ने पूरा इकट्ठा होके हटाने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच में हम लोग विरोध किए और हमारे भाई का तबीयत खराब हो तो गाँव वाले कोई आदमी हमारे घर में देखने के लिए कोई नहीं आए और सब भाग गए। देखते हैं तबीयत इनको खराब होते देखे तो सब लोग भाग गए, यहाँ तक कि अधिकारी तहसीलदार भी नहीं आए। हम लोगों को ये कि यही मांग है, हमको सीधा रास्ता दिलाया जाए या फिर हमारे पुरानी जमीन जो गांव वाले नीलामी के उनको दिलाए जाए। यहाँ गाँव में पूरा 75% अतिक्रमण है, हमारे घर के सामने समय लाल का जो अतिक्रमण है उनको हटाने के लिए बोले तो उनको नहीं हटाएंगे, वो हमारे गाँव का आदमी है ऐसा ग्रामीण अध्यक्ष और वो खुद जो समय लाल जो है वर्तमान अभी ग्रामीण अध्यक्ष है वो डायरेक्ट बोले कि मेरे को कि मैं अपना क्यों हटाऊंगा, तेरा हटाऊंगा और तू ज़्यादा बोलेगा तेरा घर भी फोड़ दूंगा, ये कह के गांव वाले लोग सब उसका यह किए। और इस बीच हमारे परिवार के कुछ भी होता है तो इसके इस पूरा जिम्मेदारी शासन प्रशासन पूरा ले। और पूर्व में इससे पहले हम और इच्छा मृत्यु की भी मांग की है, वो भी अभी तक नहीं दे रहे हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि अंगारा में तहसीलदार के नेतृत्व में ग्रुप के टीम गई थी, पुलिस भी गई थी, तो अतिक्रमण हटाने के दौरान जो अतिक्रमणकारी है वो घर से मिट्टी तेल ला के अपने ऊपर डाल दिया था, जिसको पुलिस ने तत्काल समझाइश देकर उसके सारे का मतलब जो मिट्टी तेल में भीगे कपड़े को अलग से निकाल कर उसमें पानी से धुलवा कर उसको वापस किया। समझाइश के बाद वो अपने घर चले गए। निश्चित ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसको समझाइश दिया था। समझाइश पश्चात उसके जो केरोसिन में भीगे कपड़े थे उसको धुलवा के उसको वापस किए हैं। अब ये चूंकि इसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी साथ में था, उनके द्वारा यदि किसी प्रकार का रिपोर्ट करता है तो निश्चित ही उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।